हेलो डियर स्टूडेंट्स, आइए डिस्कस करते हैं पार्ट सेकंड ऑफ होली। होली हैज बीन रिटन बाय के ए अब्बास। पिछले पार्ट में मींस पार्ट वन में हमने स्टोरी को यहां से छोड़ा हुआ था। एज इट इज देयर इज लिटल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड विद हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर। यहाँ बातचीत चली हुई थी रामलाल और उसकी पत्नी के बीच। रामलाल अपनी पत्नी को समझाते हुए कहते हैं, जैसा कि होली की शादी का बहुत ही कम चांस है, एक तो उसमें अकल की कमी है और उसके साथ साथ उसका चेहरा भद्दा है। लेट्स द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर। आओ होली के बारे में स्कूल के अध्यापकों को चिंता करने दें। इस पार्ट में मींस पार्ट सेकंड में हम जो डिस्कस करेंगे वो देखिए। सबसे पहले रीड एंड फाइंड आउट, आओ पढ़ें और पता लगाएं। सबसे पहला क्वेश्चन है, डज होली इंजॉय हर फर्स्ट डे एट स्कूल। क्या होली स्कूल में अपना पहला दिन एंजॉय करती है, मजे करती है? सेकंड क्वेश्चन, डज शी फाइंड हर टीचर डिफरेंट फ्रॉम द पीपल एट होम। क्या वह अपने घर के लोगों से अपनी अध्यापिका को डिफरेंट पाती है, अलग तरह का देखती है? तो आइए पार्ट सेकंड को पढ़ते हैं और पता लगाते हैं। सो देखिए, द नेक्स्ट डे रामलाल कॉट होली बाय द हैंड एंड सेड कम विद मी। अगली प्रातः रामलाल ने होली के हाथ को पकड़ा और कहने लगा, कम विद मी, चलो मेरे साथ। आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल लेकर जाऊंगा। भोली वॉज फ्राइटेंड, भोली डरी हुई थी। सी डिड नॉट नो व्हाट द स्कूल वॉज लाइक। वह नहीं जानती थी कि एक स्कूल कैसा होता है। इस पिक्चर से देखिए, यह रामलाल है और इसके साथ दर्शाया गया है होली को। कुछ और बच्चियां प्राथमिक पाठशाला की ओर जाती हुई दिखलाई गई है। नेक्स्ट देखिए, सी रिमेम्बर्ड हाउ ए फ्यू डेज अगो देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी हैड बीन टर्न्ड आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड। उसे याद आने लगा कैसे कुछ दिन पहले उनकी बूढ़ी गाय, जिसका नाम लक्ष्मी था, उसे घर से खदेड़ दिया गया था और बेच डाला गया था। नो 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 नो, शी शाउटेड इन टेरर एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रीप। डर में भोली चिल्लाने लगी और अपने पिताजी की पकड़ से
अपना हाथ छुड़ाने लगी। पुल्डर हैंड मींस अपना हाथ खींचना, और डर के मारे जैसे कोई तुतलाने लग जाता है, बॉली भी हकला के बोल रही थी, क्योंकि बॉली स्टैमरिंग कर रही थी। स्टैमरिंग का मीनिंग क्या होता है? हकलाना, जैसे हकलाते हुए नो 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 नो, इस तरह की आवाजें निकाल रही थी। व्हाट्स द मैटर विद यू यू फूल, शाउटेड रामलाल। रामलाल चिल्लाते हुए कहने लगा, तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम बेवकूफ हो? आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं केवल तुम्हें स्कूल ले जा रहा हूं। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, लेट हर वियर सम डिसेंट क्लॉथ टूडे, और एल्स व्हाट विल द टीचर्स एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ हस व्हेन दे सी हर। फिर वह अपनी पत्नी को, अपनी वाइफ को बतलाने लगा, आओ भोली को आज कुछ नए कपड़े पहना देते हैं, नहीं तो स्कूल के अध्यापक और दूसरी लड़कियां हमारे बारे में क्या सोचेंगी। दे सी हर, जब वो उसे देखेगी। न्यू क्लोज हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली। भोली के लिए कभी भी नए वस्त्र नहीं बनवाए गए थे। द ओल्ड ड्रेसिज ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर। उसकी बहनों की पुरानी ड्रेसिज, पुरानी वर्दियां, पुरानी ड्रेसिज, पुराने कपड़े भोली को दे दिए जाते थे। नो वन केयर टू मेंड और वॉश हर क्लॉथ, कोई भी उसके कपड़ों को धोने या ठीक करने की परवाह नहीं किया करता था। बट टूडे सी वॉज लक्की टू रिसीव ए क्लीन ड्रेस विच हैड श्रंक आफ्टर मैनी वॉशिंग्स एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा। लेकिन आज एक साफ सुथरी ड्रेस पाकर भोली लक्की थी, भाग्यशाली थी, जो बहुत बार धोने के बाद सिकुड़ गई थी। श्रंक श्रंक मीन्स सिकुड़ना, और अब चंपा को ठीक ढंग से नहीं आती थी। सी वॉज इवन बाथ्ड एंड ऑयल वॉज रब्ड इन टू हर ड्राई एंड मैटेड हेयर। उसे नहलाया भी गया था। किसे? भोली को। सी किसको रेफर करता है? भोली को। और उसके ड्राई, ड्राई मीन्स रूखे, मैटेड उलझे हुए बालों में तेल भी मसला गया था। रब रब मीन्स रगड़ना या मसलना। नेक्स्ट देखिए, ओनली देन डिड सी बिगिन टू बिलीव दैट सी वॉज बींग टेकन टू ए प्लेस बेटर देन हर होम। केवल तभी भोली ने ये विश्वास करना शुरू कर दिया था कि उसकी घर से बहुत अच्छी जगह पर उसे ले जाया जाना था। वेन दे रिच द स्कूल द चिल्ड्रन वर ऑलरेडी इन देयर क्लासरूम। जब वो स्कूल पहुंचे, वो कौन? भोली और उसके पिताजी। बच्चे पहले से ही अपनी क्लासरूम्स में, अपने कक्षा कक्ष में आए हुए थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेडमिस्ट्रेस। रामलाल ने अपनी बेटी को मुख्य अध्यापिका को सौंप दिया। लेफ्ट अलोन द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विद फियर लेडन आइज।
अकेली पाकर बेचारी लड़की अपनी डरी हुई सहमी हुई आंखों से देखती रही। देयर वर सेवरल रूम्स एंड इन ईच रूम गर्ल्स लाइक हर ग्रेटेड ऑन मैट्स रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन स्लेट्स। देखिए, देयर वर सेवरल रूम्स, स्कूल में बहुत सारे कमरे थे, एंड इन ईच रूम, और प्रत्येक कमरे में गर्ल्स लाइक हर स्क्वेटेड ऑन मैट्स, जो टाट होते हैं उनके ऊपर पलाथी मारकर लड़कियां बैठना पसंद करती थी। रीडिंग फ्रॉम बुक्स एंड राइटिंग ऑन स्लेट्स, स्लेट्स स्लेट्स पे लिखना और किताबों से पढ़ना। टाट पर बैठकर प्रत्येक रूम में लड़की लड़कियां लाइक करती हैं इन सभी रूम्स में। द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन ए कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम, इन वन ऑफ द क्लासरूम्स। मुख्य अध्यापिका ने भोली को उन क्लासरूम्स में से एक क्लासरूम में कॉर्नर में बैठने के लिए कहा। नेक्स्ट देखिए, भोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली स्कूल वॉज लाइक एंड व्हाट हैपेंड देयर। भोली सही तौर पे नहीं जानती थी कि एक स्कूल किस तरह का होता है और स्कूल में क्या-क्या घटना घटित होती है। बट सी वॉज ग्लैड टू फाइंड सो मैनी गर्ल्स ऑलमोस्ट हर ओवन एज प्रेजेंट देयर। लेकिन वहाँ उपस्थित अपनी आयु की, अपनी उम्र की बहुत सारी लड़कियों को पाकर भोली खुश थी। ग्लैड, ग्लैड मीन्स हैप्पी। देखो, ग्लैड का सिनोनिम क्या है? हैप्पी, खुश होना। आप राइट भी कर सकते हो, HAPPY। नेक्स्ट देखिए, सी होप्ड दैट वन ऑफ दिज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड। उसे उम्मीद थी, आशा थी कि इन लड़कियों में से एक लड़की उसकी फ्रेंड जरूर से जरूर बनेगी। द लेडी टीचर हु वॉज इन द क्लास वॉज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स बट वॉली कुड अंडरस्टैंड नथिंग। मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। मुख्य अध्यापिका जो कि क्लास में थी, वो उन लड़कियों को कुछ बतला रही थी, लेकिन भोली को कुछ भी समझ नहीं आ सका था। यहाँ देखिए, कैन का पास्ट कुड मॉडल में से यहाँ कैपेबिलिटी को शो करता है पास्ट में। कैन का पास्ट है कुड, मॉडल का प्रयोग हुआ है। सी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल। भोली ने दीवार पर तस्वीरों को देखा। द कलर्स फैसिनेटेड हर। द हॉर्स वॉज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज। द गॉट वॉज ब्लैक लाइक द गॉट ऑफ देयर नेबर। द पैरट वॉज ग्रीन लाइक द पैरट्स सी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड। एंड द काऊ वॉज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी। देखिए, जो कलर्स थे, रंग थे, उन्होंने भोली को फैसिनेट किया था। फैसिनेट मीन्स भोली उन कलर्स को देखकर मुग्ध हो गई थी। द हॉर्स वॉज ब्राउन
जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज। रंगों ने भोली को अपनी ओर आकर्षित किया था। भोली मगध हो गई थी। घोड़ा ब्राउन कलर का बिल्कुल उस घोड़े की तरह था जिस पर बैठकर तहसीलदार साहेब उनके गांव आया करते थे। द गोट वॉज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर। जो बकरी थी बिल्कुल काले रंग की जैसे कि उनके पड़ोस में बकरी होती थी। और तोता कैसा था? तोतों की तरह, उन तोतों की तरह जो तोते जो पेरट्स बॉली ने आम के बगीचे में देखे हुए थे। और गायें देखिए कैसी थी? द काउ वो जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी। गायें उनकी लक्ष्मी गायें जैसी थी, बिल्कुल लक्ष्मी जैसी। एंड सडनली भोली नोटिस दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाई हर साइड स्माइलिंग एट हर। और अचानक भोली ने देखा कि अध्यापिका उसके समीप खड़ी थी और उसकी ओर मुस्कुरा रही थी। नेक्स्ट देखिए, व्हाट्स योर नेम लिटिल वन। छोटी बच्ची तुम्हारा नाम क्या है? भो 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 सी कुड स्टैमर नो फर्दर देन दैट। इस बार भोली पहले की तरह हकला नहीं सकी थी, पहले से कम हकलाहट थी। सिर्फ 3 बार ही उसने बोला भो भो भो। देन सी बिगेन टू क्राई एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आईज इन ए हेल्पलेस फ्लड। फिर उसकी चीख निकल गई, भोली ने रोना शुरू कर दिया। आंसू असहाय बाढ़ की तरह उसकी आंखों से बहने लगे। सी कैफ्ट हर हेड डाउन एज सी सैट इन हर कॉर्नर नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स हू सी न्यू वर स्टिल लाफिंग एट हर। सी कैफ्ट हर हेड डाउन एज सी सैट इन हर कॉर्नर। जैसे वो एक कोने में बैठी हुई थी, उसने अपने सर को झुकाए रखा। उस दूसरी लड़कियों को जो लड़कियां जिन लड़कियों को वो जानती थी, जो लड़कियां भी उस पर हंस रही थी, उन लड़कियों को देखने का उसमें साहस नहीं था। साहस ना करते हुए वह अपना सर नीचे झुकाए हुए कॉर्नर में बैठी रही। वेन द स्कूल बेल रंग ऑल द गर्ल्स स्कैरिड आउट ऑफ द क्लासरूम बट भोली डेयर नॉट लीव हर कॉर्नर। हर हेड स्टिल लावर्ड सी कैप्ट ऑन सॉबिंग। सॉबिंग मीन सी सकना। जब स्कूल की घंटी बजने लगी, सभी लड़कियां क्लासरूम से तेजी से दौड़ पड़ी। स्कैर्ड स्कैर्ड आउट भी जल्दी जल्दी जाना। बट भोली डेयर नॉट लीव हर कॉर्नर। लेकिन भोली में अपना कॉर्नर अपना कोना छोड़ने का साहस नहीं था। डेयर डेयर मीन साहस। हर हेड स्टिल लॉवर्ड उसका सर अब भी झुका हुआ था। सी कैप्ट ऑन सॉबिंग वह सुबकती रही। भोली आवाज आई भोली द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग। अध्यापिका की आवाज बहुत ही कोमल और शांति प्रदान करने वाली थी। सूदिंग सूदिंग पीसफुल। इन ऑल हर लाइफ सी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट। अपने पूरे जीवन में उसने कभी भी
इस तरह की आवाज नहीं सुनी थी। ही टच्ड हर हार्ट, यह बात उसके दिल को छूने लगी थी। गेट अप सेड द टीचर, अध्यापिका कहने लगी उठ जाओ, खड़ी हो जाओ। इट वॉज नॉट ए कमांड बट जस्ट ए फ्रेंडली सजेशन। भोली गॉट अप, यह एक आदेश नहीं था बल्कि मात्र एक दोस्ताना सुझाव था। भोली उठ खड़ी हुई। नाउ टेल मी योर नेम, अब मुझे अपना नाम बतलाओ। नाउ टेल मी योर नेम, अब मुझे अपना नाम बतलाओ। स्वीट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी, उसके सारे शरीर में पसीना फूट पड़ा, पसीना आने लगा। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिसग्रेस हर, क्या उसकी तुतलाती हुई जुबान फिर से उसका इंसल्ट करने वाली थी, क्या उसकी बेइज्जती होने वाली थी? डिस्ग्रेस इंसल्ट होना। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमेन हाउएवर शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट, इस दयालु औरत की खातिर। हाउएवर, लेकिन शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट, उसने एक प्रयास करने का डिसाइड किया, फैसला किया। शी हैड सच ए सूदिंग वॉइस, उसकी आवाज कितनी शांति प्रदान करने वाली थी। शी वुड नॉट लाफ एट हर, वह उस पे हंसी नहीं थी, उसके उसका मजाक नहीं उड़ाया था उसने। भो भो भो, सी बिगैन टू स्टैमर, वह हकलाने लगी, उसने हकलाना शुरू कर दिया। भो भो भो, वेल डन द टीचर एनकरेज्ड हर, टीचर ने अध्यापिका ने उसे प्रोत्साहित किया। बहुत अच्छा, कम ऑन नाउ द फुल नेम, आओ जल्दी से अब अपना पूरा नाम बतला दो। भो भै भै भो भोली, एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट एंड फेल्ट रिलीव्ड एज इफ इट वॉज ए ग्रेट अचीवमेंट। आखिर में वह इसे बोलने में सक्षम होने लगी थी और उसे सांत्वना संतुष्टि महसूस होने लगी। ऐसा लगने लगा जैसे कि यह एक बड़ी अचीवमेंट थी, बड़ी उपलब्धि थी। वेल डन द टीचर पैटेड हर अफेक्शनेटली एंड सेड, पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स। बहुत अच्छा, अध्यापिका ने प्यार से स्नेह से उसके सर पर हाथ फेरा और कहने लगी अपने दिल से डर निकाल दो, दूसरों की तरह, हर प्रत्येक दूसरे की तरह, हर किसी और की तरह तुम बोलने में सक्षम हो जाओगी। यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स, हर किसी की तरह, हर किसी दूसरे की तरह तुम बोलने में सक्षम बन जाओगी। होली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क, रियली, भोली ऐसा लगा जैसे पूछने ही वाली हो, क्या वास्तव में? यस यस इट विल बी वेरी इजी, हाँ, यह बहुत आसान बन जाएगा। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, विल यू कम? तुम्हें तो बस प्रत्येक दिन स्कूल
आना होगा, क्या तुम आओगी? भौली नॉडेड। भौली ने अपनी कंधों को सिकोड़ा, हामी भरी। नो से इट अलाउड, नहीं, ऊंची आवाज में बोलो, या यस, हाँ। एंड भौली हर सेल्फ वॉज एस्टोनिश्ड दैट शी हैड बीन एबल टू से इट। और भौली स्वयं अचंभित थी कि वह बोलने में सक्षम होने लगी थी। डिडंट आई टेल यू, नाउ टेक दिस बुक। क्या मैंने तुम्हें बतलाया नहीं था? अब इस किताब को लो। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर एंड पिक्चर्स वर इन कलर। किताब वो पुस्तक सुंदर सुंदर तस्वीरों से भरी हुई थी, और तस्वीरें रंगों में थी, अलग अलग कलर्स थे। डॉग, कैट, गोट, हॉर्स, पैरट, टाइगर एंड ए काउ, जस्ट लाइक लक्ष्मी। भिन्न भिन्न रंगों की तस्वीरें किन किन की थी? डॉग, कैट, गोट, हॉर्स, पैरट, टाइगर और एक गाय, काउ। एंड विद एवरी पिक्चर वॉज ए वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर्स। और प्रत्येक पिक्चर के साथ बड़े बड़े अक्षरों में एक वर्ड था। इन 1 month यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक। एक महीने में तुम इस पुस्तक को पढ़ने में एबल हो जाओगी, सक्षम हो जाओगी। देन आई विल गिव यू ए बीगर बुक, देन ए स्टिल बीगर वन। तब मैं तुम्हें एक बड़ी पुस्तक दूंगी, पुस्तक जो इससे भी बड़ी होगी। इन टाइम यू विल बी मोर लर्न देन एनीवन एल्स इन द विलेज। एक समय में तुम गांव में किसी भी दूसरे की अपेक्षा अधिक सीख जाओगी। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू। तब कोई भी अन्य तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएगा, तुम्हारी हंसी नहीं उड़ाएगा। पीपल विल लिसन टू यू विद रिस्पेक्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टैमर। लोग तुम्हें सुना करेंगे और तुम्हें सुनेंगे कैसे? रिस्पेक्ट के साथ। और तुम बोलने में बिना किसी स्टैमरिंग के, बिना हल्की सी हकलाहट के बिना भी तुम बोलने में सक्षम हो जाओगी। अंडरस्टैंड? क्या तुम समझती हो? नाउ गो होम एंड कम बैक अर्ली टुमारो मॉर्निंग। अब तुम घर जाओ और कल जल्दी से स्कूल वापिस आ जाना। होली फेल्ट एज इफ सडनली ऑल द बेल्स इन द विलेज टेम्पल वर रिंगिंग। होली महसूस करने लगी थी, उसे लगने लगा था जैसे कि गांव के मंदिर की सारी घंटियां बज रही थी। एंड द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ द हाउस हैड ब्लॉजम्ड इंटू बिग रेड फ्लावर्स। हर हार्ट वॉज थ्रॉबिंग विद ए न्यू होप एंड ए न्यू लाइफ। तो भोली को महसूस होने लगा था, उसे अचानक लगने लगा था जैसे गांव के मंदिर की सारी घंटियां बजने लगी थी। स्कूल हाउस के सामने के वृक्ष बड़े बड़े लाल रंग के फूलों से ढकने लगे थे, नए नए फूल खिलने लगे थे। हर हार्ट वॉज थ्रोविंग विद ए न्यू होप एंड ए न्यू लाइफ। उसका हृदय, उसका किसका? होली का। एक नई उम्मीद, नई आशा और नए जीवन से धड़कने लगा था, थ्रोबिंग करने लगा था। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने
सेकंड को डिस्कस किया है। आई होप यू विल एंजॉय दिस स्टडी। इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो आपके एमसीक्यूज में काम आएंगे, जैसे कि आप देख सकते हो भोले की ओल्ड काऊ का नाम क्या था? लक्ष्मी। और भोले को जो ड्रेस दी जाती थी, जो सिकुड़ी हुई थी, वो ड्रेस किसकी थी? चंपा की। फोर ऑप्शन में से आप करेक्ट आंसर के लिए यहाँ से मदद ले सकते हैं। भोले के फादर का नाम रामलाल। इसके अलावा भोले को अलग अलग कलर्स में जानवर दिखाए गए थे, वो कौन कौन से थे? डॉग, कैट, गॉट, हॉर्स, पैर, टाइगर और काऊ, जो कि लक्ष्मी जैसी थी। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस जो एमसीक्यू में काम आ सकते हैं, आप इस टेक्सचुअल कंटेंट के माध्यम से देख सकते हो और अपना ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हो। आई होप यू विल एंजॉय दिस स्टडी। थैंक्स टू ऑल।